अगले कॉलर जहिन बोलिए। हेलो, शायद कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है, हम एमएमएस देखते हैं कि क्या कहते हैं। और ये तो काफी दिन से ये समस्या चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों बैठ के इसके बारे में बात विचार करना चाहिए। स्काइप कॉलर के पास चलते हैं, जहिन बोलिए। जहिन सर, मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। हाँ। जब तक देश के नेता हिंदुस्तान को लूटते रहेंगे, वो दूर नहीं जब पैदा हो जाएंगे। आम जनता का एक प्रधान का इलेक्शन लड़ सकता है, तो एमपीएमएलए क्या क्या लड़ेगा? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। हाँ। जहिन बोलिए। जहिन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है सब, और कांग्रेस की सरकार जो चाहती है वो कर सकती है, जो करना चाहे थे ये खुद ही करना नहीं चाहती अपने वोट बैंक के लिए। हाँ हेलो, जय हिंद, मैं बाबूराम बोल रहा हूँ दिल्ली से। धन्यवाद। ये सरकार है अपने सरकारों के ऊपर, सरकार है कैसी चलती है। रमन सिंह कहने के लिए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, लेकिन पूरे राज्य में उनकी सरकारें नहीं चलती है। देश के 60 जिलों में केंद्र की ना राज्य की किसी की सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है तो नक्सलवादियों की चलती है, उनके अपने कोर्ट है, उनके अपने कानून है। और इस तिरंगे को सलाम करने वाले के लिए, इस देश के साथ प्रेम करने वालों के विरुद्ध वो कैसे दमनकारी नीति अपनाते हैं, ये फिल्मी शॉर्ट में हम आपको दिखाते हैं। राजन, राजन ये बासठ छोड़ उसको। अरे गरीब को क्या मारता है, मरता तो सामने आ, तोड़ दूंगा साले। शराब, शराब। हमारे गांव के मासूम लोगों को झूठे और बेईमान मादों से गुमराह मत करो तुम सबर मत। तुम्हारा हमारे गांव में घुसने की हिम्मत भी मत करना। और जान प्यारी हो तो नंदी घाट टाउन में ही चलो डेरा डाल के। अरे चुप, जनताना सरकार का कानून साफ है कि गद्दारी के सजा का है। अपने कॉमरेड के पुलिस ला खबर देने की एक ही सजा है। किसे अपनी सजा देते हैं और इनके खिलाफ बोलने वालों को ये इस तरीके से दमन नीति अपनाते हैं। आम आदमी की बात तो की जाती है, अगर आम आदमी की बात होती, उनकी सुविधा की बात होती, उनके हक की बात होती है तो उनके लिए बने स्कूल क्यों तोड़े जाते हैं, उनके लिए बन रहे सड़कें क्यों तोड़ी जाती है, उनके लिए बन रहे बस स्टैंड क्यों तोड़ी जाती है, उस क्षेत्र में कोई उद्योग क्यों नहीं लगाने दिया जाता, ये सवाल इसका जवाब मिलना भी जरूरी है। अगले कॉलर। सर अनिल बोल रहा हूँ, जय हिंद। अनिल बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ। ये बहुत ही दुखद घटना है, और ऐसी घटनाएं नक्सली बहुत कर रहे हैं और बहुत लोगों मार भी रहे हैं, लेकिन पहली बार है कि ये पॉलिटिकल लोग मरे हैं इसमें। हाँ। और वैसे तो ये सारी प्रॉब्लम जो है पॉलिटिकल लोगों ने शुरू की हुई है। इतनी ज्यादा गैप है अमीर और गरीब में, और डेवलपमेंट की नहीं है 65 सालों से इन्होंने कुछ भी, लेकिन फिर भी हिंसा गलत है, उसको रोकना चाहिए हमें, उनको सिस्टम ठीक करना चाहिए। लेकिन ये जो लीडर बने हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि अच्छी है बुरी बात है, लेकिन फिर भी इनको अकल आनी चाहिए कि ये भी बचेंगे नहीं, आम आदमी मरेगा तो ये भी बचेंगे नहीं, इसलिए इसको सिस्टम को सही करें, नक्सल समस्या को दूर करें, लोगों के बीच में जो गैप है, फाइनेंशियल गैप है, उसको कम करें। ये टैक्सेस को गलत सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है हर जगह पे। बिल्कुल, बचेंगे नहीं अब ये। बिल्कुल, धन्यवाद। ये तो सही है कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, दोनों में बहुत बड़ी खाई है। लेकिन इस खाई को बांटने के लिए केवल बंदूक का ही उपयोग नहीं किया जा सकता, या इसका ही सहारा नहीं लिया जा सकता, कई और तरीके हैं, इन तरीकों को आजमाना जरूरी है। खास करके जब राजनीतिक निर्णय करने की बारी आती, वोट करने की बारी आती है, तब ये निर्णय ज्यादा सोच समझ कर करने की जरूरत है। लेकिन तब हम जाति, भाषा, प्रांत या पैसों के ऊपर जाते हैं, और तब ये समस्या और हम सर्टिफाइड करके, रिन्यू करके इसको झेलने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं। अगले कॉलर। हेलो, बोलिए। हाँ, वंदे मातरम, नमस्कार सर।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नक्सलवाद के खिलाफ जो पहले भी आपने एक मुहिम चलाई थी जिसमें सरकार नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण करने का प्रलोभन दे रही थी कि जो जितना बड़ा नक्सली होगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा, ये सरकार का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। परिणाम स्वरूप आज सरकार को यह दिन देखना पड़ा कि नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जो है हमला कर नेताओं और समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया। अब ये सरकार बिल्कुल बौखला गई है जिसमें सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह जी का बयान आ गया है कि ये हमला तो लोकतंत्र पर हमला है। शायद ये काले भ्रष्टाचारी लोग ये भूल गए हैं कि जब हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते हैं तब लोकतंत्र पर हमला नहीं था। जब चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करता तो वह लोकतंत्र पर हमला नहीं था। सैकड़ों सुरक्षा बल सैनिकों को नक्सलवादियों ने मौत के घाट उतार दिया तो यह लोकतंत्र पर हमला नहीं था। और आज कुछ नेता नक्सलवादियों के हाथों मारे जाते हैं तो यह लोकतंत्र पर हमला हो गया है। ऐसी सरकार सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है, अपने स्वार्थ के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर जय हिंद बोलिए। जय हिंद। जय हिंद बोलिए। जय हिंद, महावीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। जय हिंद, महावीर बोल रहा हूँ किशनगढ़ राजस्थान से। हाँ ये सारे नेता ही दोषी हैं ये नक्सल ये अपराधीकरण के लिए, इन्हीं को है ना ठीक करना पड़ेगा नहीं इनकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ तो इनको है ना मतलब ध्यान देना पड़ेगा इनकी, नहीं तो इनकी हालत खराब कर देंगे नक्सली भी। धन्यवाद। हम एमएमएस देखते हैं कि क्या कहता है। आज जो हत्या की गंदी राजनीति हो रही है उसके लिए हम सभी लोग जिम्मेवार हैं और इस देश को कांग्रेस पार्टी ने गंदे रास्ते पर ले गए, उसी का ये सब दुष्परिणाम है। कॉलर के बाद चलते हैं। हाँ जी सर। हाँ जयंत सर बोलिए। जयंत सर मैं मिस्टर आरके सिंह बोल रहा हूँ बेंगलोर से। बोलिए बोलिए सर। आगे ये मेरा कहना ये है कि जब एक नेता के घर में इतने पुलिस को इम्प्लॉय कर दिया है कि अभी बाकी पुलिस जनता की सेवा के लिए बचा नहीं है। हाँ। आर्मी के बंदों का जब सिर काट के बॉर्डर में ले जाता है तो उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। आज दो तीन नेताओं का सिर काट दिया तो उसके लिए पूरा मीडिया उसके ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ और ये बिंदास बोल को देखने वाले सभी मेरे भाइयों से विनती है कि वो लोग सभी आदमी अपने अपने पड़ोसियों को बताएं कि बिंदास बोल अपना सुदर्शन न्यूज को लगाएं और देखें। धन्यवाद। हम परिणाम देखते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो परिणाम क्या हो सकते हैं देखिए। देश के दुश्मन भारत को तोड़ने की साजिश में सफल हो जाएंगे। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं वो भारत में भी नक्सलियों के साथ सक्रिय हैं। नक्सल विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले ये लोग भारत के दुश्मन देशों के एजेंट हैं। भारत में नक्सलियों के समानांतर सरकार चलती रहेगी। वैसे तो आज भी देश के 60 से ज्यादा जिलों में नक्सलियों की सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह से नक्सली मजबूत हो रहे हैं देश के दूसरे जिले भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। नक्सली निर्दोष लोगों का खून करते रहेंगे। नक्सली गरीब और आदिवासियों के झंडा बरदार होने की बात करते हैं, लेकिन नक्सलियों का मकसद इन गरीबों की आवाज उठाने के सहारे देश के टुकड़े करके उस पर लाल झंडा फहराना है। भारत के दूरदराज इलाकों का विकास नहीं हो पाएगा। नक्सली भारत के विकास में बाधा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के इन दूरदराज इलाकों का विकास हो। देश के आदिवासी गरीब के गरीब बने रहेंगे। देश की सरकारें आदिवासी इलाकों का विकास करने की जो भी योजना लेकर आती है नक्सली उन योजनाओं को तोड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं। हम अपने जवानों के मौत का खेल देखते रहेंगे। आज नक्सली इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो जो चाहें जहां चाहें देश की पुलिस और सेना के जवानों को आसानी से घात लगाकर मार सकते हैं। हमारी सेना हाथ मलती रह जाती है, नेता राजनीति करते रहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। सुरेश जी जय हिंद। जय हिंद। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर माओवादियों द्वारा हमला निंदनीय है।
जब देश के 75 जवानों पर हमला हुआ था तो दांतेवाड़ा में उन शहीदों के लिए कौन पहुंचा? कोई नहीं। अग्निवेश जो माओवादियों के मानवाधिकार की बात तो करते हैं, परंतु शहीदों के प्रति उनके मुंह में क्या कीड़े पड़ जाते हैं? मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हिमालय कंपनी की पीने की बोतल 150 रुपए की है, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को माओवादियों ने पीने को दी, वो कहां से आई? सीआरपीएफ के जवान वहां ड्यूटी पर जाते हैं तो उनकी उचित व्यवस्था नहीं की जाती। एक निजी चैनल पर मैंने देखा कि ऐसे जवान मच्छरों की वजह से बीमार पड़ जाते हैं परंतु दवाइयां नहीं मिलती। सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं तो दिल्ली में कुछ असामाजिक तत्व मिठाइयां बांटते हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति गलत है। मेरे विचार में ये राष्ट्र पर हमला है। अजीत जोगी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी अग्निवेश। ऐसे लोग इस विषय पर राजनीति करते हैं और नक्सलवादियों के मानव अधिकारों के लिए तो रोना रोते हैं, आंसू घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन जब सैनिक मरते हैं, जब जवान मरते हैं, जब सुरक्षा बलों पर हमला होता है तो इनके लिए तब बोलने के लिए कहीं कुछ नहीं होता और एक कैमरे से गायब हो जाते हैं, या आते भी है तो शांति वार्ता की बात करते हैं। अग्निवेश जैसे लोगों के संबंधों की भी बात होनी चाहिए। जो सरकार को लोग मिलते नहीं, सरकार जिनको लाखों करोड़ों रुपए का इनाम रखती है उनके ऊपर कि इस नक्सली नेता को पकड़ के लाओगे तो इतना इनाम है, ऐसे नेता अग्निवेश को मीटिंग को लिए कैसे मिलते हैं, अग्निवेश जाके उनके साथ मीटिंग कैसे करते हैं, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। क्या अग्निवेश भारत सरकार के अधिकृत दूत है ऐसे विषय की बात करने के लिए? अगर नहीं है तो ऐसे लोगों के संबंधों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगले कॉलर। जय हिंद बोलिए। जय हिंद बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो सॉरी आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलते रहिए, आपको जो प्रतिक्रिया देनी है। देखिए, नक्सलवाद पर राजनीति स्पष्ट तौर पर नहीं की जानी चाहिए। हेलो, धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है।